नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। मेरठ में दरोगा की होटल में पिटाई मामले में चर्चा में आई महिला अधिवक्ता दीप्ति चौधरी ने मेरठ के थाना लालकुर्ती में जमकर हंगामा काटा। थाने में महिला अधिवक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दरअसल देर शाम दीप्ति चौधरी ने अपनी सेंट्रो कार से माल रोड पर कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी कार का पीछा कर बामुश्किल उसको पकड़ा। थाने में पहुंचकर महिला ने पुलिस कर्मियों पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर लालकुर्ती पर अपनी अंगूठी लूटने और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो दीप्ति ने कई लोगों को टक्कर मारी है। इस मामले में दो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, साथ ही उसके ऊपर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का भी आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए मेडिकल जांच करवा ली गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में ड्रंक एंड ड्राइव की धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं और इस महिला पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में मेरठ के होटल में दरोगा की पिटाई के मामले में दीप्ति चौधरी चर्चा में आई थी। दीप्ति चौधरी पिटाई के समय दरोगा के साथ मौजूद थी। फिलहाल पुलिस मामलों की जांच कर रही है। आरोप है कि थाने में इंस्पेक्टर को बीजेपी का गुर्गा बताते हुए दीप्ति चौधरी ने जमकर उत्पात मचाया। थाने में दीप्ति चौधरी ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि बीजेपी के पार्षद के गुंडों ने उसकी कार में टक्कर मारी है। दीप्ति चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्षद के लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इन लोगों ने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। ये लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे मारने की, समझौता कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो लोग, ये तो आपको जानते तक नहीं है लोग तो। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब इनके पार्षद को मैंने जेल पुछवा दिया, ये लोग मुझे जानते नहीं है। कैसी बात कर बड़े मोबाइल सिंह, कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब ये लोग मुझे इतने हैरेसमेंट कर रहे हैं, मैंने इनके पार्षद को जेल पहुंचा दिया। कौन से पार्षद को? क्या मामला था पार्षद का? वेटर को लेकर। क्या मामला था पूरा? सर ये वेटर लेकर मामला था मेरा। एक्चुअली क्या है कि 551/18, ठीक है, ये मुकदमा पंच गत्र थाना प्रतापपुर में, और इन लोगों ने मेरे विवेचक के ऊपर और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसकी शिकायत मैंने की, और उसके ऊपर इसका जो पार्षद है भाजपा का, ये जेल में है और ये जेल में रहकर भी लगातार संबंध में है। इसने ये कह रखा है कि ये जो मैडम जहाँ भी मिले इनको वहीं के वहीं इनका काम खत्म कर दो। अब आप कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? मैं अपनी कचहरी से निकल कर अपने घर जा रही थी सर। आप ड्रिंक कर रखी है? नहीं, नॉट एट ऑल। आप मेरे मेडिकल कर रही है। देखिए आप शांत रहिए, आप शर्मा आप प्लीज शांत रहिए। आप एक महिला अधिवक्ता से बात कर रहे हैं। अब मैं अधिवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ। एक शराब पी हुई एक महिला से बात कर रहा हूँ, और एक जिसने कहाँ से आ रहे थे? अपनी कचहरी सारी थी, मैं जस्टिस के कोर्ट में हूँ, काली कोर्ट में हूँ।
कचहरी जा रही थी। और जैसे कि मेरे गाड़ी के पीछे स्कॉर्पियो और जैसे कि यहाँ का पुलिस स्टेशन है थाना लालपुर थी, मैं यहाँ पे आई और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर दिया मजान नो करने, क्योंकि ये पीछे कोई गुर्गे हैं, इसलिए कौन है गुर्गे, ये कौन, ये पूरा पुलिस प्रशासन थाना लालपुर थे गुर्गा तो बीजेपी का, इसलिए आप जानते मैं डिप्रेशन में, 4 दिन से मेरे ऊपर बराबर आरोप प्रति आरोप लगे आ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में, मेरी जगह कोई भी अन्य लड़की पर वो क्या करेगी बताइए आप, मेरे पीछे 4 लोग लगे हुए गाड़ी लेके ये बताइए आज क्या हुआ था, कहाँ से आप आ रही थी, फिर कौन लोग थे वो? सर मैं कचहरी से आ रही थी और एक नीरज मित्तल और अरुण और संदीप नाम के 3-4 लोग थे, उन लोगों ने मेरी गाड़ी का पीछा किया, जैसे कि मैंने वहाँ पे उन लोगों ने मेरा ओवरटेक कर दिया, मैंने थाना लालपुर के पास में गाड़ी लगा दी, वो लोग सामने से निकल गए, लेकिन थाना लालपुर की पुलिस ने मुझे नामजद करते हुए मुझे यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया, और ये जो साले गुर्गे हैं पुलिस के, भाजपा इनके गुर्गे हैं, मैं सबका नाम लूंगी इनका, मुझे यहाँ पे नाम दर्ज करा गया, मेरा मेडिकल कराया गया, मेरी जान माल को खतरा, मैंने आज कप्तान यहाँ पे लिखित में तहरीर दी है कि मुझे अपनी जान माल का खतरा है, उन लोगों ने मेरे जान के ऊपर हमला भी किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी टाइम नहीं लाभ दो ना, नहीं रहने दे जाएगी, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा बताओ उनका ये आरोप है कि आपने जो है कुछ लोगों को टक्कर मारी है वहाँ पे, उनका ये आरोप है? सर मैं 3-4 दिन से डिप्रेशन में हूँ कि मैं अपनी गाड़ी लेके निकली और वो लोग मेरी गाड़ी की कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं, इतना मुझे इतना पीछा कर रहे थे, हाँ मेरा पीछा कर रहे थे, मेरी रिंग पुलिस वालों ने लूट ली है, इन पुलिस वालों के साथ में मैं खड़ी हुई हूँ, मैं तब से कहती आ रही हूँ कि भैया मैं तुम्हारी साथ हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं, देवेंद्र कुमार शर्मा लालकोट थाना इंस्पेक्टर, उसने कहा इसने मेडिकल कराया जाए, मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी क्योंकि वो भाजपा का दल्ला है, मेरी डायमंड लूट ली गई, मेरा ब्लड निकाला गया, मुझे मारपीट की गई, इन 3-4 लेडी जो भी हैं, आई डोंट नो सिपाही नहीं, इन लोगों के नाम दर्ज किए जाएं और इनके ऊपर नाम दर्ज, इनके ऊपर मुकदमा होगा, मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को, ये काला कोर्ट के ऊपर सवाल है। अब आपको कहां ले जा रही है? सर इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मैंने बाल पकड़े, कब की आपके साथ मारपीट, वहां से लाते समय आप एक बार बताओ क्या किसी केस का चश्मदीद गवाह होना कोई अपराध है क्या? क्या किसी केस का चश्मदीद गवाह होना अपराध है क्या, ये बताओ मुझे आप, चूंकि मैं इस केस के चश्मदीद गवाह हूँ और 4 दिन से मुझे फॉलो किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, और आज मैंने इस बात की लिखित तहरीर भी कप्तान साहब को दी है, कप्तान साहब ने ये कहा कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी। सर एक महिला है काफी हंगामा, उसने आज क्या आरोप है सर उसके, अभी तक क्या जांच में पाया गया? ये लाल कुर्ती थाना क्षेत्र की घटना है, वहाँ पे कुछ लोग थाने पर आकर शिकायत किए कि कोई महिला किसी कार को ड्राइव कर रही थी, उन्होंने उनकी गाड़ियों में टक्कर मारी है, उसके बाद इमीडिएटली पुलिस एक्शन हरकत में आई और सबको थाने पर लेके, वहाँ पे कुछ लोगों ने तहरीर दी है, उनकी शिकायत ये है कि संभवतः महिला ने शराब के नशे में ही, और हम लोगों ने इमीडिएटली जो भी प्रोविजन सेट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें हमने तहरीर ले ली है, और उसके बाद हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, जो भी एविडेंस मिलेगा जो प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर महिला के लगातार आरोप है कि कुछ लोग उसको जो है जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पार्सल सर जिसका नाम आया था पीछे उसको उसने आरोप लगाया है। देखिए जैसा कि वहाँ बताया गया है कि जो महिला है उनका संबंध शायद किसी पुराने प्रकरण से भी है, तो हम इसकी जाँच कर रहे हैं कि उस प्रकरण में इनका क्या रोल था, और वो संभवतः अगर वो हैं तो इनकी जो बातें हैं उसको भी ध्यान से देखा जाएगा, लेकिन वो मेडिकल वगैरह आने के बाद और सब चीजें सामने आएंगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ तहरीर आई है उसमें महिला के खिलाफ, जिन लोगों उसने जो गाड़ी टक्कर मारी जिन लोगों, हाँ उन लोगों ने लिखित में तहरीर दी है। अच्छा। महिला ने भी कोई तहरीर दी है सर? नहीं, संभवतः महिला की तरफ से भी कोई तहरीर नहीं। ठीक है।